उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग द्वारा 3400 छात्रों की परीक्षा कराई गई थी। जनपद में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां पर परीक्षा कराई गई है। परीक्षा में काफी छात्रों ने परीक्षा दी है। परीक्षा को लेकर जनपद में पहले ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए थे, शिक्षा विभाग के तरीके से ऑब्जर्वर लगाए गए थे जिलाधिकारी के आदेश अनुसार। वहीं पूरे जनपद में परीक्षा सम्पन्न कराई गई है। मुरादाबाद जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग द्वारा एक परीक्षा जनपद के 8 केंद्रों पर कराई गई है, जिसमें प्रशासन द्वारा नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी। 2016 का पेपर था। कैसा गया पेपर? कैसा आया था पेपर? वहीं शिक्षा विभाग द्वारा ऑब्जेक्टिव भी लगाई गई, जिसमें जनपद में नकल विहीन परीक्षा कराई गई है। जनपद में 3400 बच्चों को परीक्षा देनी थी, जिसको लेकर जनपद में 8 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर छात्रों ने परीक्षा दी है। जनपद में लगभग 3400 बच्चे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा हाई स्कूल विषय की जीव विज्ञान परीक्षा के लिए 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। कुल लगभग 3400 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 34.44% बच्चे उपस्थित हुए, बाकी बच्चों के द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया। परीक्षा स्टेटिक मजिस्ट्रेट और विभागीय ऑब्जर्वर्स जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किए गए थे, नियुक्त किए गए थे, उनकी देखरेख में संपन्न हुई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 सचल दस्ते का भी गठन किया गया था, उनके द्वारा भी संपूर्ण परीक्षा की सतत निगरानी की गई। 2 घंटे की परीक्षा थी, बहुत ही चुस्त दुरुस्त और व्यवस्थित तरीके से नकल विहीन शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न हुई। किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं।